वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा 1.2 जो एक्सरसाइज है मैथमेटिक्स 10th क्लास का, उसको कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान और अपने भाषा में हम लोग एकदम कंप्लीट करेंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। क्योंकि याद रखिएगा, मैथमेटिक्स 10th का बहुत ही इजी है। आप उसको सीरियसली ले लेते हैं कि बाप रे बोर्ड का एग्जाम है, ऐसा कुछ मत समझिए। कोई बोर्ड वोर्ड का एग्जाम हो तो देना ही है, अब टेंशन लेने से तो कोई फायदा है नहीं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप 9th पढ़े हैं, 8th पढ़े हैं, ठीक है, तो उससे तो काफी आसान 10th जरूर है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको जबरदस्त लगे तो अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, क्योंकि क्लास 10th का सेशन स्टार्ट हो चुका है। आप प्लीज इस देर मत कीजिए, अगर इस जितने वीडियो को आप देखते चलेगा, आपका मैथमेटिक्स में 1% डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। यहां हम लोग देखेंगे एक्सप्रेस इस नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। थोड़ा सा समझिएगा, अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो उसका हिंदी भी हम इसको समझा दे रहे हैं, हिंदी में भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। यहां देखिए, कह रहा है कि ये जो भी नंबर यहां पे दिया गया है, ठीक है, यहां पे इसके प्रोडक्ट के रूप में इसका गुणनखंड निकालना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। अब ये अभाज्य क्या होता है? प्राइम का मतलब होता है इस नंबर को क्या कीजिए, प्रोडक्ट के रूप में तोड़िए। पहला नंबर 140 है, इसको तोड़िए। और तोड़िएगा तो किस नंबर से तोड़िएगा, ध्यान रखिएगा, प्राइम टूटना चाहिए। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो ऐसा नंबर जो एक से कटे, खुद अपने से कटे, इसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। ये बहुत पावरफुल नंबर है, ये सिर्फ अपने से झुकता है, दूसरा किसी से नहीं, और एक से झुकता है, ठीक है, याद रखिए। तो यहां पे देखिए, जैसे प्राइम नंबर में आप लिख सकते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब क्या होता है, ये तो 1 के पहाड़ा में आएगा और ये 3 के पहाड़ा में, इसी तो हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो 140 को वही तोड़ देना है बस आपको। 140 से 2 से तोड़िएगा, 2 × 14 ये 0 उतार, 2 से टूटे 35 हो जाएगा, ये 2 से ये हो जाएगा आपका 5 से, 5 × 7 = 35, ये 7 से हो जाएगा 1। बताइए यही तो टूटा है आपका, 2 × 2 × 5 × 7, बस हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। 140 का हो गया 2 × 2 × 5 × 7। अब मान लीजिए आपको थोड़ा सा अच्छा से लिखना है यहाँ पे, तो 2 कितना बार है? 2 बार है, तो लिख दीजिएगा 2 × 5 × 7, हो गया आपका ये प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए तो ये सब नंबर प्राइम है कि नहीं, ये एक ऐसा नंबर साइड में आया है, यानी प्राइम का मतलब होता है अभाज्य। प्राइम का मतलब क्या होता है? अभाज्य नंबर है। यहाँ पे ये सिर्फ एक से कटेगा और ये खुद अपने से कटेगा, ये 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, 1 से कटेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 156, सेम है वैसे ही, इसको ऐसे ही तोड़ दीजिएगा। 156 है, इसको ऐसे तोड़िएगा, 2 से तोड़िए, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, फिर हो जाएगा 2 से तोड़िएगा, 2 × 3 = 6, 1 × 18 = 18 हो जाएगा, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 3 और 3 × 3 = 9, फिर इसको तोड़िएगा 13 से टूटेगा एक बार में। अब बताइए ना, यही तो आया, सब तो प्राइम में नंबर आ रहा है, टूट रहा है, तो 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है, ऐसे भी तोड़ सकते हैं। बहुत लोग इसको ऐसे तोड़ते हैं, 156 ऐसे दो हिस्सा में कर रहे हैं, 2 × 78, फिर इसको तोड़ रहे हैं ऐसे 2 × 39, तो बात सब वही है। इस तरह तोड़िए तो, चाहे इस तरह तोड़िए तो, इसमें कोई ट्री मेथड आपको है वो अलग तरीके से नहीं होता है, ऐसे ही होता है। अब यहाँ बताइए 2 कितना बार है? 2 बार है, 2 × 2 लिख दीजिए, बाकी सब उतार दीजिए, जो जितना बार होता है हम लोग वैसे ही लिख देते हैं, इसमें कुछ है नहीं। अब ये जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आप तोड़िएगा, ये 4 नंबर को तोड़िएगा, 5 नंबर को, सब ऐसे ही टूटेगा। अब देखिए, ये तोड़ते हैं तो सबसे पहले छोटा नंबर से ट्राई करते हैं, ठीक है, अगर छोटा नंबर से टूट गया, अगर इससे नहीं टूटे तो फिर इससे थोड़ा सा बड़ा, ये नहीं कि डायरेक्ट सबसे बड़ा नंबर से तोड़ दे, ये मेथड नहीं होता है, ठीक है, ये रूल नहीं होता है। तो उम्मीद करते हूं कि आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि यहां पे अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम लोग कैसे इसका फैक्टर निकाले, गुणनखंडन किए इसका, आपको समझ में आया होगा। अब बिना देर किए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, बिहार बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये दोनों मीडियम से आपको समझ में आएगा। ये बहुत ही आसान लहजे में, यानी इसको समझाया जाएगा, देखिए कैसे। यहाँ लिखा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। सबसे पहले कह रहा है कि जो दो ठो नंबर यहाँ दिया है ना, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लीजिए, माने लघुत्तम और महत्तम निकाल लीजिए, ठीक। और निकालने के बाद एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला पर ले जाके सेट कीजिए। अगर सेट करने के बाद दोनों तरफ बराबर आ जा रहा है तो भाई सही है भाई, वेरीफाई है भाई, चेक करना है यही, तो वही काम करें। एक फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, अब दो संख्या का गुणनफल का मैंने कहा, जो भी क्वेश्चन में दो संख्या दिया है उसका गुणा कीजिए, पहला काम गुणा करके एक साइड रख लीजिए, और फिर ये दोनों संख्या का एक बार एलसीएम निकालिए, एक बार एचसीएफ, और जब एलसीएम और एचसीएफ निकल जाता है, वो दोनों को गुणा कीजिए, तो फिर दोनों बराबर आएगा। मींस डायरेक्ट यहां समझिए, ठीक है, यहां होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि यहां पे फॉर्मूला यही है, देख लीजिए, ठीक है, यानी दो संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये दोनों का लघुत्तम निकालना है और महत्तम निकालना है, यानी एलसीएम और एचसीएफ,
क्या इधर ही दोनों नंबर वाला लिख देना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल हिंदी में होता है दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। इंग्लिश वाला यहां लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो संख्या कौन कौन है, 26 और 21, यहां पे 26 और गुणनफल माने गुणा होता है गुणा करने का फल, और यहां पे 21, ठीक है। यहां देखिए अब यहां एलसीएम कितना है, एलसीएम ये निकालना पड़ेगा, 26 और 91 का एलसीएम। तो यहां देखिए हम तोड़ते हैं, उसके बाद आराम आराम से इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, साइड में ही तोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिखा है हम 26 और लिखने के बाद दो से कीजिएगा तो ये 13 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 13 से एक बार में ये आपका एक आ गया, यानी 2 × 13 आया। अब थोड़ा सा आप 91 को कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 7 से कीजिएगा 13 बार में हो जाएगा, 13 × 91, ये 13 एक बार में। अब बताइए ये 26 को तोड़े तो आप इतना आया, और 91 को तोड़े तो आया 7 × 13। HCF और LCM, एक बात आपको बता दें, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो HCF में बताइए इसमें कौन मिल रहा है, जो मिलता है उसी को सिर्फ HCF कहते हैं। तो यहां देखिए, यहां हो जाएगा आपका HCF, इसमें दोनों में क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 13 HCF। अब LCM यहीं से निकल जाएगा। LCM किसको कहते हैं, तो जो मिले वो भी लिखाता है, जो ना मिले वो भी, मतलब कि तेज तरार भी लड़का आ जाएगा, गधा वधा जितना है सब वो में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले जो मिला है तेज का को आगे रख लें 13, और कौन कौन नहीं मिला है, तो 2 का जात कोई नहीं है और 7 का, तो यहाँ पे 2 × 7 इसको भी यहाँ लिख लीजिएगा। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा यहाँ पे 182, यानी कि LCM आ गया 182 और ये आ गया HCF 13। ले जाकर भर दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा LCM कितना है तो 182 और यहाँ पे क्या है आपका मल्टी, यहाँ पे हो जाएगा 13। अब देखिए ये दोनों को गुणा कीजिए और ये दोनों को गुणा कीजिए, दोनों को गुणा अगर बराबर है तो समझिएगा ये वेरीफाई है, अदरवाइज ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को गुणा कीजिए, यहाँ पे जब टेबल पढ़िएगा यहाँ पे तो कितना होगा, यहाँ पे आपको बता दें हम 13 × 26 के 6 हाथ में बचेगा 2, ठीक है, और 13 × 8 104, 104 और 2 कितना होता है, 104 और 2 6, यहाँ हो जाएगा 106, 10 बचेगा, 13 × 13 = 10 = 23, ठीक है। और जब इसको भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 23 = 66, तो दोनों तरफ का बराबर हो गया वेरीफाई, यही आपको क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था। वैसे ही क्वेश्चन ये भी बनाना है, पहला का हो गया आपका आंसर, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा VERIFIED जो भी होता है, ठीक है, वेरीफाइड हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वेरीफाइड यानी जांच हुआ लिख सकते हैं, ठीक है, प्रमाणित हुआ लिख सकते हैं, प्रूव्ड लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा वेरीफाइड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन सेम ऐसे ही, यहां क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखिएगा, सेम वैसे ही है, ठीक है, बस यहां पे थोड़ा सा आपका कटाने वटाने वाला जो भी सिस्टम है थोड़ा सा बड़ा था, तो पहले ही हम कर दिया, आपका समय भी बचेगा और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 510 और 92, ये जो है इसी पर वेरीफाई करना है। फॉर्मूला क्या है, HCF × LCM, कैसे दिमाग में रख लीजिए, अगर 2 ठो कोई भी नंबर, जैसे यहाँ 2 ही ठो नंबर है, इन दोनों का गुणा कीजिएगा, गुणा करके जो भी आंसर आए, ठीक है, इन दोनों नंबर को फिर लाइए, इन दोनों का LCM निकालिए, दोनों का HCF निकालिए, जो दोनों निकल रहा है LCM HCF उन दोनों को गुणा कीजिए, ठीक है, और ये दोनों नंबर को गुणा कीजिए, दोनों का आंसर बराबर आएगा, वेरीफाई हो गया। यहाँ देखिए 92 का यहाँ पे हम लोग निकालने की कोशिश की, इसको पहले फैक्टर करके तोड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 510 का तोड़े हैं यहाँ पे, तो 2 से टूटा है ये पूरा, 2 से 2 दूना 4, 1 बचेगा तो 2 × 5 = 10, ये टूटा है ऐसे, फिर 92 को तोड़े हैं, 2 × 4 = 8, 1 बचेगा, इसमें 12 हो जाएगा, 2 × 6 = 12, फिर 2 से तोड़े हैं 23, 23 एक बार में। अब देखिए 510 को जब तोड़े हैं तो 2 × 3 = 5 = 17 आया है, 2 × 3 = 17, 510, और यहाँ 92 को तोड़े हैं तो 2 × 2 = 23 आया है, ठीक है। HCF किसको कहते हैं, तो जो दोनों में मिले, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं, जो दोनों में मिले हाईएस्ट सबसे ज्यादा उसी को लिखते हैं। तो सिर्फ 2 ही मिल रहा है और कुछ तो इसमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये HCF हो गया। और LCM किसको कहते हैं, यहाँ देखिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो मिलेगा पहले वो लिख लीजिएगा और फिर जो नहीं मिले वैसे ही उसको भी लिख लीजिएगा। तो पहले जो मिला है तो 2 लिख दिए, उसके बाद से इसका कोई जोड़ा नहीं है, 3 का जोड़ा नहीं है, 5 का जोड़ा नहीं है, 17 का नहीं है, 23 का नहीं है, सबको गुणा किए तो आया 23,460 आया है, ठीक है। अब हमको HCF भी पता चल गया और LCM भी पता चल गया, बस फॉर्मूला लगाए हैं यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल। और LCM कितना आया था, तो LCM आया था ये वाला 23,460 और HCF 2, और दो संख्याओं का गुणनफल, ओरिजिनल संख्या कौन कौन है,
510 और 92। जब ये दोनों को गुणा किया गया तो 46,920 आया, और ई भी गुणा किया गया तो इतना ही आया, हो गया वेरीफाइड। यही था। अब तीन नंबर जो इसका दो का तीन नंबर आपका क्वेश्चन है, आप स्वयं आपके लिए होमवर्क है, इसको बनाइएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं। अब यहाँ तीन नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही आसान है, कई बार एक ही चीज तो इसमें बार बार बोल रहा है, वो क्या चीज बोल रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आखिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अभाज्य किसको कहते हैं, ऐसे नंबर से कटाना है जो वैसा नंबर होना चाहिए जो एक से कटे या खुद स्वयं से कटे। जैसे मान लो दो से आप कटा सकते हैं, तीन से, पाँच से, सात से, ये ऑड आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये ऑड नहीं है, ऐसा नंबर बस ले लेना है प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक से कटे या खुद वही तीन से कटे, ठीक है। तीन है तो तीन से कटे, यहाँ वही नंबर लेना है। बोल रहा है कि इसका बस निकाल दीजिए आप क्या, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ निकाल दें। लघुत्तम आपको बचपन से ही सीखेंगे, लघुत्तम निकाल दीजिए, महत्तम निकाल दीजिए, लेकिन कौन से विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य विधि से। इसको रफ में इधर रफली कर लें, उसके बाद से सजा देंगे। यहाँ पे है 12, 12 को तोड़िएगा तो होगा 2 से, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। फिर यहाँ पे तोड़िएगा 15 को, तो 15 को तोड़िएगा तो होगा 3 पचे 15, 5 से तोड़िएगा 1 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, 21 को तोड़िएगा यहाँ पे 3 से, 3 सत्य 21, फिर 7 से 1। इसको सजाइए, 12 यहाँ पे है, 12 को तोड़िएगा तो होगा क्या आया है, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3 आया है। यहाँ देखिए, ये 15 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो आया 3 × 5, यहाँ पे हम लोग तोड़े हैं 21 को तो कितना आया है, 21 पे आया 3 × 7। अब बताइए हम लोग HCF किसको कहते हैं, जो दोनों तीनों में, या तो तीन अंक हो गए तो जो तीनों में मिले, जो पूरा में कॉमन दिखे उसको कॉमन बोलते हैं, ठीक है, उभयनिष्ठ। तो बताइए यहाँ पे तीन है, इसमें भी तीन है और इसमें भी तीन है, यानी तीनों में 3 कॉमन है, तो यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा, 3। और LCM किसको कहते हैं, तो LCM कहते हैं पहले जो मिले उसको लिख लो, हमको 3 मिल गया है तो 3 लिख दी। अब कौन को किसका किसका जोड़ा नहीं लग रहा है, इसका कोई जोड़ीदार नहीं है तो ये भी लिख दो, इसका भी कोई नहीं है, देखो ये मत कहना कि ये और ये एक साथ है, नहीं, ये तीनों में मिलना चाहिए, ठीक है, तो इसका भी कोई नहीं। उसके बाद से 5 है, उसके बाद 7 है, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 420 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 420 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, हो गया। अब बताइए जितना भी नंबर है वो प्राइम फैक्टराइजेशन है कि नहीं, 3 भी प्राइम है, 2, 2, 5, 7, ये सब क्या है, प्राइम फैक्टर है, तो ये 420 हो जाएगा। वैसे ही ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन रहा, वैसे ही आप दो नंबर बनाइएगा, दो नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए, तो दो नंबर 17 को तोड़िएगा, इसको हटा दीजिए, अब 17 को जब तोड़िएगा तो ये तो जाहिर सी बात है कि एक बार में 17 बार में ही कटेगा, 23 को तोड़िएगा तो खुशी का बात है कि एक ही बार में कटेगा, 23 से एक बार में, और यहाँ 29 को तोड़िएगा तो ये भी वही होगा, फिर एक बार में सजा लीजिए इसको, 17 को कीजिएगा तो 17 × 1, चाहे 1 × 17, यहाँ पे हो जाएगा 23 को तोड़िएगा तो हो जाएगा 23 × 1, और यहाँ पे 29 को तोड़िएगा तो ये भी होगा 29 × HCF किसको कहते हैं, जो सब में कॉमन हो, तो यहाँ सिर्फ एक मिल रहा है तो इसको बोलेंगे HCF बराबर कितना हो जाएगा, 1। LCM किसको बोलते हैं, तो पहले जो मिला उसको लिख दो, 1 क्या लिखोगे, 1 एक ऐसा शरीफ नंबर है, उसमें कितना से भी आप गुणा कर लीजिए आएगा उतना ही, ठीक है, लेकिन 0 से पंगा नहीं लेना है, ठीक है, 0 अपने जैसा बना देता है। अब ये जो मिले, ये वाला नहीं मिल रहा है, गुणा कीजिए 17, 23 और 29, जब इसको आप गुणा कीजिएगा 17, 1 से तो कोई फायदा नहीं, 17, 23 और 29 है तो मे भी आपका आना चाहिए, यहाँ पे कितना आया था, 11,339 आया था शायद, हाँ हम गुणा करके देख लिए, आप भी इसको गुणा करके देख लीजिएगा। तो जाहिर सी बात है HCF इसका कितना हो गया, 1, और आपका LCM कितना हो गया, बस इसका देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। अब हम आपको दे रहे हैं तीन नंबर क्वेश्चन, आप स्वयं बनाइएगा, फिर 8 को तोड़िएगा, ठीक है, 9 को और 25 को, तीनों को तोड़ने के बाद जो मिलेगा तीनों में वो HCF, और जो नहीं मिलेगा वो LCM, बस हो गया ये तीन नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं रोक करके, ठीक है। तो फिर हम लोग चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये तो बहुत ही आसान है, और आसान के साथ साथ एक और बात आपको बता दें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी VBI क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार भी है, और आपको फिर बता रहे हैं हम कि एक फार्मूला आपको इसमें पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या को गुणा कीजिएगा तो किसके बराबर होगा, तो LCM गुणे HCF के बराबर होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है, यही इसमें करना है। डायरेक्ट पहले फार्मूला लिख लीजिए, दो संख्याओं, कहीं से कोई लिख, यहाँ पे पहले HCF × LCM भी लिख सकते हैं, फिर संख्या लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल,
बराबर क्या होता है, तो एल सी एम इंटू एच सी एफ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे दिया है क्या एच सी एफ, ये दोनों संख्या का दे दिया है 9। यहाँ देखिएगा 306 और 657 का एच सी एफ 9 है, फिर इसी नंबर का एलसीएम निकालना है। नंबर यही है, नंबर चेंज नहीं है, इसका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, यानी दो ठो संख्या यही है। तो लिख दो 306 का गुणनफल बोला है ना, दो संख्याओं का गुणनफल, और इनटू में क्या लिखिएगा यहाँ पे 657। अब बताइए दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया है कितना 9, तो एचसीएफ की जगह पे भरिएगा 9, और एलसीएम नहीं पता है छोड़ दीजिए। आपको पता होना चाहिए एक चीज कि ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, अगर प्लस में रहता तो माइनस में हो जाता है। एकदम जीरो से शुरू किए हैं हम। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा फिर भी यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो डिवाइड में यानी बट्टा में आ गया। अब इसको आप कटाइएगा, दोनों को गुणा करके जब आप कटाइएगा, ठीक है, वैसे हम लोग कटा भी ले रहे हैं, 3 से कटाइए, 3 × 9 और ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 0 × 3 = 6। अब बच गया यहाँ पे 3, यहाँ अगर आप 3 से कटाइएगा तो कट जाएगा। देखिए 3 से कटाइएगा तो 3 × 9 = 10 था ना, तो 3 × 3 हो गया 9, 1 बचेगा 3 × 4 = 12। आपको ऊपर बचा 657 और ये बचा 34। जब इसमें आप गुणा कीजिएगा तो आपका आएगा यहाँ पे 2 × 2 = 3, 3 यहाँ पे कितना होगा 2 × 2 = 3, 3 = 8 होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर है, 2 × 2 = 3, 3 = 8 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, इतना ही आएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं, यहाँ पे 657 में 34 से गुणा कीजिएगा 7 × 4, यहाँ पे देखिए 7 × 4 = 28 के 8 हो जाएगा कितना 2, और 4 × 5 = 20, और 2 × 22 के 2 हाथ में लगा 2, और 4 × 6 = 24, 24 × 2 = 26, 3 × 7 = 21 के 1 हाथ में कितना बचा 2, 3 × 5 = 15, और 2 × 17 के 7 1 बचा, और 3 × 6 = 18 और 1 = 19, 8, 3, 6 और 7 13 × 3 हाथ में 1, 9 × 2 = 11, 1 × 12 = 2 हाथ में 1 और 1 × 2, देखिए यहाँ पे वही आंसर आया। तो बताइए जब दो नंबर दिया हो तो आप आराम से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, तो इसको एकदम ज़बरदस्त और बढ़िया तरीके से आप इसको लिख लीजिए। ये वाला जितना भी घेरा है आप हटा दीजिए इसको, और आप इसको खुद समझ के 9 से कटाए हैं, फिर ये कटाए तो 3 से कटाए हैं, यानी डायरेक्ट ये 34 बार में कट गया, 34 में गुणा किए हैं किससे 657 से, बचा है तो आया है इतना, और ये हो गया आपका एलसीएम। तो उम्मीद कर रहे हो कि आपको समझ में आया होगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब फिर हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1.1 में भी कुछ नहीं था, वो सिर्फ डिवाइड था, अब 1.2 में सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम है। ठीक है, इसके सिवा कुछ नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये आप लोग दिमाग से ही सोच सकते हैं, खुद से सोच सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ देखिए कह रहा है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसका मतलब हुआ कि कह रहा है कि 6n लिखा है, ठीक है, और कह रहा है कि इसमें n एक क्या है, नेचुरल नंबर है। n एक क्या है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। यहाँ n एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं आपको बताए थे, ठीक है, प्राकृत संख्या गिनती की सारी संख्याएं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो कह रहा है कि n का पावर कुछ भी भरिए, कोई भी नंबर यहाँ पे भरिए, तो क्या जब यहाँ पे कोई भी नंबर भरेंगे तो क्या 0 पर एंड हो जाएगा, 0 पर समाप्त हो जाएगा। अगर 6n का पावर अगर 1 भरते हैं n के जगह पर तो इसका आंसर 6 होगा, अगर 2 भरते हैं तो 6 × 6 हो जाएगा, 6 × 6 = 36। लास्ट में किस पर खत्म हो रहा है, 6 पर, लेकिन आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 पर एंड होना चाहिए, तो ये कभी जिंदगी में संभव नहीं है, क्योंकि 6 का पावर अगर कुछ भी हो, ठीक है, तो याद रखिए उसके लास्ट में 6 ही होगा, ये कभी संभव नहीं है। और वैसे भी 6 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, बताए थे फिर से अभाज्य गुणनखंड, इसको तोड़िएगा और तोड़ने के बाद से 2 × 3 = 6 कितना आया, 6 का अभाज्य गुणनफल यहाँ देखिएगा कितना आया, 6 का अभाज्य गुणनफल यानी कि लिख देते हैं प्राइम नंबर ऑफ 6 कितना आया, 6 का 2 और कितना आया 3 आया, इसका पावर n, 6 का पावर n का तोड़े हैं। तो अब बताइए जबकि 0 पर समाप्त होने के लिए रूल होता है कि इस नेचुरल नंबर को अगर तोड़े तो 2 × 5 आए, तभी तो 5 दुना हो जाएगा, इसका पावर n है, तभी तो 5 दुना 10 हो जाएगा, और 10 का पावर क्या हो जाएगा n।
ठीक है। आ एन का मान कुछ भी भरिएगा तो लास्ट में एन का मान मान लीजिए पाँच भरते हैं, तो यहाँ पाँच भरिएगा तो दस को कितना बार लिखना पड़ेगा, दस पाँच बार, दस गुणे दस गुणे दस गुणे दस, तो गुणा करने पर लास्ट में जीरो तो आ ही जाएगा, तो वही एंड प्लेस पर। लेकिन कब, जब टू इंटू फाइव, तो फाइव टू जैसे नहीं, दो पचे दस हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो आपके पास दस नहीं है, सिक्स है ना, ठीक है। तो ये कभी संभव है ही नहीं कि यहाँ एन हो, आ एन का मान कुछ भी भरे तो किस पर अंत हो, जीरो पर अंत हो। तो यहाँ आप लिख सकते हैं लैंग्वेज में, ठीक है, कि सिक्स का पावर एन पर, मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि अगर सिक्स का पावर एन है तो उस पर कभी भी जीरो संभव नहीं है। एन एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर कुछ भी भरिए तो संभव नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ लैंग्वेज है ही नहीं। डायरेक्ट लीजिए, यह संभव नहीं है, आंसर आपका हो गया ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका फाइव नंबर क्वेश्चन रहा, उम्मीद कर रहे हो कि समझ में आया होगा। देखिए डायरेक्ट बोल रहा है कि सिक्स का पावर एन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, एंड किस पर होने चाहिए, जीरो पर, जबकि एन एक नेचुरल नंबर है, यहाँ एन कोई भी प्राकृत संख्या एक दो तीन चार पाँच भरिए, अब भरने के बाद सॉल्व कीजिए तो जीरो आना चाहिए लास्ट में, जो कभी संभव है ही नहीं। यहाँ लिख दीजिएगा कि प्राइम नंबर टू इंटू फाइव है, जबकि टू इंटू थ्री है, और टू इंटू फाइव का पावर अगर एन है तो ही हमारा लास्ट में जीरो आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग फिर देखते हैं यहाँ पे ये मिटा, सॉरी ये आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं छः नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं छः नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ही मज़ेदार है, देखिए कैसे। यहाँ तो ये ऐसे ही दिख रहा है आसान है, यहाँ पे बोला है कि कंपोजिट नंबर, यानी इसका मतलब होता है भाज्य संख्या, ठीक है। क्या होता है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसा संख्या जो दो से ज़्यादा बार, दो से ज़्यादा अंकों से कटे। देखिए अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो सिर्फ दो ही नंबर से कटे, कौन कौन, एक तो एक से और एक खुद अपने से, और भाज्य संख्या किसे कहते हैं जो दो अंक से ज़्यादा से कटे। जैसे चार एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये एक से भी कटेगा चार से, एक एक्स्ट्रा दो से भी कटता है, आठ से भी, छः भी, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई, यानी कि व्याख्या कीजिए कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर क्या है, भाज्य संख्या आखिर क्यों है, क्या वजह है। तो आपको बताए थे भाज्य संख्या का एक ही रूल होता है कि एक से तो कटना, अभाज्य का रूल होता है कि एक से कटे और खुद अपना से कटे, लेकिन एक और अपना का छोड़कर दूसरा संख्या अगर कोई भी आया तो समझ जाइएगा वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, एक और दूसरे को छोड़ करके, ठीक है, खुद को छोड़ करके। यहाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन को हम उतार रहे हैं, 11 इंटू 13 प्लस 13, ये दोनों में कुछ मिल रहा है एक जैसा। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा है प्लस, ये मल्टीप्लाई में, तो कोई पूछेगा कि बताइए ये कितना हिस्सा में टूटा है, तो ये मत बताइएगा कि एक दो तीन चार हिस्सा में, नहीं। देखिए तोड़ने का काम सिर्फ प्लस और माइनस करता है, क्योंकि बाबू प्लस और माइनस, एक चीज़ याद रखिए, प्लस माइनस माने लड़की याद रखिएगा, ठीक है, क्या याद रखिएगा, लड़की, क्योंकि तोड़ने का काम सिर्फ महिलाएं यानी लड़की करती है, आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। वैसे ही इसमें तोड़ने का काम मल्टीप्लाई नहीं, हम लोग मल्टीप्लाई है कहीं भी, हम लोगों के लिए सब दुनिया ही है, ठीक है, हम लोग सबको खुश रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो प्लस और माइनस है सबको खुश नहीं रख सकता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बात है, प्लस और माइनस तो यहाँ दो हिस्सा में टूटा है, क्योंकि यहाँ पे एक हिस्सा ये अकेले और एक हिस्सा ये, क्योंकि ये प्लस माइनस नहीं है, इसमें इनटू है, बताइए ये दोनों में क्या मिल रहा है, दो गो हिस्सा है ना, यहाँ पे है 13, दोनों में 13 मिल रहा है, जब 13 यहाँ से कॉमन निकलेगा तो बचेगा 7 इंटू 11 इंटू, यहाँ से 13 निकल गया तो 1, यहाँ से भी 13 निकल गया तो 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 77 प्लस 1, मिला जुला के यहाँ पे हो गया कितना, 78। यहीं से देखिए क्या पूछा गया है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब आप देख लीजिएगा, हिंदी में भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि भाज्य संख्या आई है कि नहीं, तो है नहीं, भाज्य संख्या है तभी तो एक को छोड़ के दूसरा नंबर भी है, दूसरा नंबर से कट जा रहा है, अगर ये रहता प्राइम नंबर तो यहाँ एक रहता और सिर्फ 78 रहता, 71, या लिखिएगा ये क्या है, प्राइम, ये कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है, क्योंकि क्योंकि एक को, यानी एक को छोड़कर अन्य दो संख्या से क्या है, संख्या से क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है, या फिर दो संख्या का गुणज है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी वैसे ही है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन ये भी है, दो ठो क्वेश्चन है, इसमें भी देखिएगा कहाँ से, बताइए यहाँ पे कहाँ से बंटवारा होगा, तो प्लस यहाँ पे है, बताए थे प्लस और माइनस ही बंटवारा करेगा, तो इसमें से पांच कॉमन ले लीजिएगा, जब पांच कॉमन ले लीजिएगा तो ये सब बचेगा आपका, ठीक है। यहाँ देख लीजिए इसको भी साइड में,
ठीक है, इतना ही में हम बना दे रहे हैं। इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद से इसको यहीं पे इतना ही में बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब आप पाँच कॉमन निकालिएगा तो यहाँ बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, और यहाँ से पाँच निकल गया तो यहाँ पे भी तो पाँच है तो एक बचेगा। ठीक है, जब यहाँ पे आप गुणा कीजिएगा तो आपको आना चाहिए यहाँ पे इतना लंबा गुणा है, यहाँ पे 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24 और 24 में 6 × 7 = 42, यानी 24 और 42 को गुणा कर लीजिए। ठीक है, 4 × 8 = 2 × 4 = 16, 6 × 7 = 2 × 4 = 1, 4 × 16 = 2 × 4 = 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ये, 6 × 4 = 10, 8 × 9 = 10, 1008 आया। कितना आया? 1008 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा इंटू में 1009 हो जाएगा। ठीक है, अभी फिर वही बात है, ये भाज्य, ये लैंग्वेज से हम लिख दीजिएगा, भाज्य संख्या है क्योंकि एक को छोड़ के अन्य दो संख्याओं का गुणा ये है। ये देखिए, एक से ये भी कटेगा, एक से तो ये भी कटेगा, लेकिन ये एक से कटेगा आप पाँच से कटेगा, और ये वाला अंक एक से कटेगा और 1009 से भी कटेगा। जबकि रूल है प्राइम नंबर का कि दो ही अंक से कटे, यहाँ तो दो से ज़्यादा यहीं पर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या है। तो सेम आप इसका लैंग्वेज यही लिख दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बिना देर किए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो तो सबसे आसान है, वो बातों बातों में ही हम लोग समझ जाएंगे कि वो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, ये 7 नंबर क्वेश्चन है 1.2 का, और इस हिसाब से एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये तो बहुत ही मजेदार है, और इसे आप जनरली अगर सोचेंगे ना तो ये बन जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक लड़का है और एक लड़की है, जाहिर सी बात है आप थोड़ा सा सोच के बताइए फास्ट कौन दौड़ेगा। मान लीजिए कि एक चीज़ को चक्कर लगाना है, गोला है, यहाँ से दोनों चलना शुरू किया। ठीक है, लड़का जो है 12 मिनट में एक राउंड मार लिया, कितना मिनट में? एक राउंड पूरा करने में 12 मिनट लगा। और जो लड़की है, यानी छोटुआ मार लिया है 12 मिनट में, छोटिया मारी है 18 मिनट में। ठीक है, यहाँ समझ लीजिए जनरली ऐसे। अब यहाँ देखिए वही बोला है, तो बताइए कि फिर अगर ये दोनों एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया तो फिर ये कितने समय बाद आ करके मिलेगा? तो मान लीजिए कि एक राउंड मारा तो 12 मिनट लगा, दूसरा राउंड मारा तो 24 मिनट में दूसरा राउंड, तीसरा राउंड मारेगा तो 36 मिनट में तीसरा राउंड। ये देखिए, ये पहला राउंड मारेगी तो 18 मिनट, दूसरा राउंड मारेगी तो 36 मिनट। यहाँ देखिएगा, यहाँ 36 मिनट बाद ही दोनों मिलेंगे फिर उसी जगह पर, लेकिन अंतर दोनों में रहेगा। इसका तीसरा राउंड पूरा हो जाएगा और इसका कितना राउंड? दूसरा राउंड। तो इसका आंसर यहीं पे दिख रहा है, दोनों का एचसीएफ कितना हो गया? 36 मिनट बाद ये दोनों मिलेगा। वही तो बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 80 मिनट्स टू ड्राइव ऑन राउंड ऑफ द फील्ड। ठीक है, एक राउंड मतलब मारने में कितना समय लगाई है? 18 मिनट। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और उसी गोला को चक्कर मारने में 12 मिनट कौन लगाया है? रवि लगाया है। ठीक है, यहाँ पे सोनिया लगाई है 18 मिनट और रवि लगाया है 12 मिनट। सपोज मान लीजिए कि दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। ठीक है, अगर एक ही पॉइंट से दोनों और एक ही समय पर दौड़ना प्रारंभ करें, ठीक है, गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में वो लोग दौड़ रहे हैं, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने मिनट बाद मीट यानी मिलेंगे। ठीक है, तो बताइए कि अंतर बस इतना ही ना है कि मिलेंगे 36 मिनट बाद, लेकिन अंतर रहेगा कि इसमें ये 3 राउंड पूरा कर चुका रहेगा और ये 2 राउंड पूरा कर चुकी रहेगी, कौन? सोनिया। तो 36 मिनट, इसका आंसर डायरेक्ट ऐसे ही हो जाएगा। लिखिएगा लैंग्वेज कैसे, तो यहाँ लिख दीजिएगा HCF of, यहाँ पे लिखिएगा 12 एंड 18, और ये दोनों का HCF अब इतना इज कितना? 36। दोनों का HCF कितना होगा? 36 होगा। हो गया इसका एक ही लाइन में आंसर, HCF of 12 एंड 18 इज 36। हिंदी में क्या लिखेगा? 12 और 18 का HCF 36 है, यानी कि 36 मिनट बाद वो फिर से उसी जगह पे मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। तो फिर हम लोग अगले एक्सरसाइज मिलेंगे 1.3, आपके एग्जाम ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है 1.3, क्योंकि कई बार उसमें से क्वेश्चन आता है। तो फिर उसी लेसन में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।